अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। फिलहाल हालात को लेकर कुछ लोग अभी परेशान हैं, लेकिन हकीकत बताई जाए तो किसी तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान भी लो कि तीसरी मर्तबा जबरदस्ती से ही क्यों ना हो वजीर आजम मोदी बन भी गए तो एक तरह का बेजान और कमजोर वजीर आजम रहेगा। खेत में परिंदे दाना न चुगे इसके लिए जो कपड़ा लटका कर इंसानी पुतला खड़ा किया जाता है, उस तरह का एक पुतले से बढ़कर ज्यादा कुछ नहीं होगा, उस तरह का पुतला ही रहेगा समझ लीजिए आप। हालांकि इसके भी इम्कान बहुत कम है, हमने इससे पहले भी कहा है, फिर एक बार कहते हैं कि इस बार हो सकता है कि राहुल गांधी वजीर आजम बन जाए, लेकिन भाजपा का बंटाधार तो हो गया है, किसी तरह बचने की कवायद देखने को मिल रही है। वैसे कल का भी मोदी का बयान आपने सुना होगा कि कैसे एक तकबुरी और घमंडी तानाशाह की हेकड़ी निकलने के बाद हालत बनती है, उस तरह की होती भी दिखाई दे रही है। खैर, आज भी बहुत सारे लोगों ने भाजपा की एनडीए की हुकूमत बनेगी या फिर कांग्रेस इंडिया गठबंधन की हुकूमत बनेगी पर कई सारे फोन किए, सवालात किए और मुस्तकिल आज करते ही रहे। खासकर मैं मुसलमानों का अगर जिक्र करूंगा तो मुसलमानों में इस सवाल का जवाब सुनने की जल्दबाजी काफी ज्यादा देखी गई। मेरा इनसे यही मशवरा है कि तमाम लोग जिन्होंने इस मुल्क के संविधान को बचाने की और नफरत गिरोह को हराने के लिए जितनी भी कोशिश की है वो काबिले सताइश है और तमाम लोग इत्मीनान रखें। और वैसे भी हम अपने ख्याली घोड़े दौड़ाने के बजाय कुछ मामले परवरदिगार पर भी छोड़ दें, क्योंकि जमीन के फैसले आसमान पर हुआ करते हैं। आज तकबरी बादशाह का गुरूर टूटा है तो इसके पीछे भी वजूहात है। खुद को खुदाई यानी कि अवतार की तरफ पेश करने की बातें इन्होंने भी कही थी, मुसलमानों को घुसपैठिए कहा था। अमित शाह ने तो मोदी 10 लाख से ज्यादा वोट से जीत दर्ज करने का दावा किया था, लेकिन सभी ने देखा कि किस तरह बचते बचाते हुए 1.25 लाख वोटों से जीत गए। दूसरी तरफ राहुल गांधी दोनों तरफ तकरीबन 4-4 लाख वोटों से जीत गए। खैर, सिलेंडर गैस रखकर महंगाई का तमाशा करने वाली स्मृति ईरानी भी हार गई और ये भी एक तरह का पैगाम कह सकते हैं। जहां मुसलमानों को घुसपैठिए कहा था, उसी इलाके के मुस्लिम उम्मीदवार जहां से आसाम से आते हैं रकीबुल हसन 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। हमने कल भी कहा था कि भाजपाइयों के चेहरे पर घर में किसी के मैयत में शरीक होने जैसा असर देखने को मिल रहा था। आज चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ एनडीए की मीटिंग हुई, क्या फैसला लिया गया अब तक मालूम नहीं, लेकिन भाजपा एनडीए की जान ऊपर नीचे इसलिए हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार खासकर जो पलटूराम के नाम से जाने जाते हैं कब कहां पलट जाएंगे कह नहीं सकते। लिहाजा 9 तारीख के प्रोग्राम को 7 तारीख यानी जुमा को ही रख दिया गया और तीसरी मर्तबा मोदी के शपथ विधि की तैयारी की जा रही है, ऐसी इत्तला हासिल है। मतलब जल्द से जल्द शपथ विधि को मुकम्मल किया जाए, वरना कौन कहां पलट जाएगा कोई गारंटी नहीं। कहां से कहां मोदी का गुरूर आ गया ये भी समझने की जरूरत है। हर बात के लिए छाती पीट पीट कर ये मोदी है, ये मोदी की गारंटी, ये मोदी का फैसला है, ये मोदी होने नहीं देगा, एक नहीं सैकड़ों मर्तबा, और आखिर में तो मोदी को भाजपा से भी ऊपर बना दिया गया था। और इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश की गई कि मुल्क में कोई कुछ नहीं है, जो भी है वो ये दो ही तारा सितारा है, लेकिन इस मुल्क की जनता ने देश को बचाया, देश के संविधान को बचाया, देश के भाईचारे को बताया। जिस तरह की बेचैनी कुछ लोगों में अब भी है कि मोदी फिर वजीर आजम बनेंगे क्या, उम्मीद कम है क्योंकि बड़ी जद्दोजहद के बाद इंडिया गठबंधन को आवाम ने वोट किया है और खासकर यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल में जैसे हमने ऊपर कहा है, अगर जान लगाकर या बड़ी मांडोली के साथ टीडीपी जेडीयू एनडीए का हिस्सा बन भी जाते हैं तो हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चल सकती, ऐसा कई सियासी माहिरीन का कहना। उसी तरह राहुल गांधी वजीर आजम बन जाते हैं तो डेप्यूटी पीएम के ओहदों पर इन दोनों को बिठाया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, जो भाजपा नहीं दे सकती। भाजपा या मोदी शाह की जान बिल्कुल तोते में फंसी हुई है, उस तरह से फंसी हुई है, क्या करे या न करे जैसे हालात बने हुए। कुल मिलाकर अगर तीसरी मर्तबा अगर ये शपथ विधि ले भी जाते हैं तो इस बार जो मोदी नजर आएगा वो अलग मोदी होगा, इसकी कुव्वत निकाली गई होगी। हिंदू मुस्लिम तमाशे के जरिए जो हुकुमशाह बनने का ख्वाब था वो कब का टूट चुका है। अपने आप को चाणक्य समझने वाले अमित शाह की होशियारी और हेकड़ी निकल चुकी है। आपको कहीं पर हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र के झंडे, परचम, नारे कहीं नजर आ रहे हैं क्या? इसे भी समझने की जरूरत है, ये बातें तमाम समझने की जरूरत है। आवाम ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, अब तारा सितारा समझ चुके हैं कि धर्म की राजनीति नहीं चल सकती। अगर इस तरह इख्तदार को छोड़ेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि अगला कदम बहुत सारे लोगों को जेल भेजने का भी हो सकता है, जेल जा भी सकते हैं। लिहाजा कुछ भी हो जाए इख्तदार में रहना है और इसी की जद्दोजहद में पूरा भाजपा एनडीए लगा हुआ है।
टीडीपी के चंद्रा बाबू नायडू या नीतीश कुमार दोनों भी जितना हो सके झोली भरने वाले, इन्हें बड़े ओहदों के साथ हुकूमत में हिस्सेदारी भी चाहिए। यहां तक के जेडीएस भी मरकजी हुकूमत में ओहदे मांग रहा है और वो भी बड़े बड़े ओहदे मांग रहा है। दो सीटों पर तो जीत हासिल हुई है लेकिन इनके डिमांड्स बहुत ज्यादा हैं और जीत दर्ज करने के बाद अब जेडीएस बड़े ओहदे की तवक्को कर रहा है। तो टीडीपी और जेडीयू तो हुकूमत बनाने की चाबी ही इन्हीं के पास है। इसका सीधा मतलब मोदी और शाह सिर्फ बेजान ढांचे बनकर रहेंगे और इस बात को आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। इनके हिंदू मुस्लिम बयानात कहीं पर भी नजर नहीं आएंगे। आप देखना कुछ सालों तक इनके हिंदू मुस्लिम के तमाशे बंद हो जाएंगे। इस चुनाव ने यकीनन मुसलमानों को राहत दिलाई है। इंडिया गठबंधन की हुकूमत बनती है तो सवाल ही नहीं उठता कि कुछ मजहबी मामलात में दखल देने वाले फैसले लिए जाएंगे, लेकिन इसका पूरा भरोसा भी इन पर नहीं कर सकते, ये भी याद रखिए। उसी तरह एनडीए की भी हुकूमत बनती है तो तीसरी मर्तबा मोदी बन भी गए तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत की आवाम ने धर्म की सियासत को नकारा है और आगे भी मुद्दों पर चुनाव लड़ने होंगे जो भाजपा नहीं कर पाएगी। इन्हें धर्म की राजनीति के जरिए आवाम को बेवकूफ बनाना आता है और 10 साल तक इन्होंने यही काम किया हुआ है और मुल्क के माहौल को आलूदा भी बना दिया है। लेकिन भाजपा या मोदी हुकूमत ये जानने से रह गई कि इंसान के बुनियादी मसाइल धर्म से बढ़कर होते हैं, जिंदा रहेगा तभी तो मंदिर जाएगा। लिहाजा भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी के एहसास ने लोगों को हकीकत से आगाह किया। आने वाले 20 सालों तक भाजपा का खेल फिलहाल खत्म नजर आ रहा है। मुद्दों पर चुनाव लड़ना भाजपा के बस में नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने मुद्दों को हर हाल में आवाम के सामने रखा है। राहुल गांधी, जिसे पप्पू कहा जाता था, भारत की दिशा को ही बदल दिया। एक बार फिर यही कहना चाहूंगा कि हुकूमत किसकी बनेगी का सवाल तो अभी बरकरार है। आज इस मौजू पर बोलने की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि कुछ लोग आज भी मोदी वजीर आजम बन सकता है क्या, इस तरह सवाल मुस्तकिल कर रहे हैं, तो इस तरह का वीडियो बनाना भी जरूरी था। इन्हें यही कहना चाहूंगा कि कोई भी वजीर आजम बने, किसी तरह खौफजदा होने की जरूरत नहीं है और वो पहले वाले दिन निकल चुके हैं। डर खौफ के बादल छट चुके हैं। मुल्क की आवाम ने तानाशाह को उसकी जगह दिखाई है। चुनाव के नतीजे ने नफरती तानाशाह की हेगड़ी निकाल ली है। अगर बन भी जाता है तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर चंद्रा बाबू नायडू और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो इन्हें जरूर डिप्टी पीएम के अहदे मिल सकते हैं, जो एनडीए नहीं दे सकती, और ये जाहिर है, तस्वीर आपके भी सामने है। नीतीश कुमार के पलटूराम के रवैये ने भाजपा के दिल में डर पैदा किया और इस डर ने जल्द हुकूमत बनाने की तैयारी जोरों पर है। लिहाजा दोनों सूरतों में मुसलमानों को इत्मीनान रखने की जरूरत है। यही आज का पैगाम। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।